तो हमारे तैयारियां कंप्लीट चल रहे हैं जिले में और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जो हमारे ERO साहिबान लगे हुए हैं और SSP साहिबान, CP साहिबान, सब लोग अपना अपना लेवल पे तैयारियां काफी जोर से कर रहे हैं। इस तैयारियों के बारे में आपको मैं ब्रीफ करना चाह रहा था ताकि हमारे स्टेट के जितना भी वोटर्स हैं और लोग हैं उनको पूरा इलेक्शंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाए, ताकि कोई अगर इन्फॉर्मेशन की कहीं कमी है फ्लो में उसको हम लोग दूर कर सके, क्योंकि इलेक्शन में इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरी होता है, खास करके वोटर्स को और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, NGOs हैं, हमारे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी इंटरेस्ट रखते हैं। वो सारी अनुवासी लगातार इन्फॉर्मेशन दिंदे ही हैं, एक फॉर्मल प्रेस रिलीजेस की राही भी ऐसी मैसेजेस देते हैं, लेकिन थोड़े नाल रूबरू होने तो वन टू वन बात करने तो ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है। आज दी मीटिंग इस मकसद को मुख रखते हुए ये ऑर्गेनाइज किया गया है। पिछली 3-4 दिन पहले डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर श्री व्यास दी प्रधानगी हेठ साडा पंजाब दी पूरा इलेक्शन दी तैयारियां दी जायजा लिया गया। साडा 23 जिले हैं, 117 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है और पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स और सभी मिला के काफी अफसर साहिबान हो जाता है। टोटल पुलिस दी जिले 28 है अपना जिले अपने अते कमिश्नरेट जिते लगे हुए हैं। ये सारियां दी मीटिंग इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर साहब ने लिया। एक एक जिले दी पूरा तैयारियां, स्पेशल समरी रिवीजन दी बारे में पूरा जानकारी, जितना एप्लीकेशन आए हुआ है वोटर बनने वास्ते या कटावन वास्ते, जितना भी वोटिंग अपना एप्लीकेशन आए हुआ है सारियां दी जायजा इलेक्शन कमीशन ने लिया है। और जिलेवार रिव्यू जेडे भी लगभग 11 बजे तो लेकर शाम 6:30 बजे तक ये रिव्यू चला, और इस तो बाद फिर मैं सोचा एक बार साडा प्रेस साथी दी नाल मिलके ये जानकारी पूरा साडे लोगों नू दिया जाए। आज दी मिति ते साडा स्टेट दे विच टोटल अपना इलेक्टर्स दी संख्या है, गिनती है 2,09,00,000 दी है। इदे विच मेल जेडे भी पुरुष है उन्हां दा 1.1 करोड़ है और फीमेल है, विमेन है 99,00,000 आर्ड फीमेल गिनती है। हाँ जी, स्लो मैं बता दूंगा, अगर आपकी चाहिए तो मैं ये पूरा डेटा आपको कॉपी दे देता हूँ ताकि आपको इजी रहेगा, एक एक को एक एक कॉपी दे देंगे ताकि तुहानू इजी रहेगा, ताकि स्टैटिस्टिक्स दे विच कोई गलतियां ना होवे, क्योंकि इलेक्शंस दे विच काफी स्टैटिस्टिक्स रहंदे, नंबर्स काफी रहंदा है, अब सारिया नु नंबर याद रखना इतना आसान नहीं है। इस बार थर्ड जेंडर्स नु अपना चोन दी प्रोसेस दे विच असी जरूर शामिल करना है, इस करके साडा नारा भी यही है, पुरुषो महिला या ट्रांसजेंडर, लोकतंत्र दे विच सब बराबर, पुरुष महिला या ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर भी असी एक स्टेटमेंट दे विच उनाना उनादा शामिलियत कर दिता गया है। असी पुरुष अते महिला दी बारे में या महिला दे पुरुष दी बारे में असी लगातार गल करदे हैं, मेन स्ट्रीम दे विच अपना ट्रांसजेंडर नु भी लेके आण दी बहुत बेहद जरूरी और लोड है। इसनु देखते हुए महिला या पुरुष या ट्रांसजेंडर, लोकतंत्र दे विच सब बराबर, इस नारा नु लेकर असी इलेक्शन दी पूरा तैयारियां कर रहे हैं। और NRI इलेक्टर्स पंजाब दे विच तुहानू पता है, NRI इलेक्टर्स भी काफी हुंदा है, लेकिन वो एक जनरल इलेक्टर दे रूप दे विच ही साडा इलेक्टर रोल दे विच शामिल ने, लेकिन असी उन्हां नू रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुसी अपना एक NRI NRI वोटर बनो, ताकि सानू भी फायदा होगा, उन्हां वास्ते असी स्पेशल अरेंजमेंट्स की जा सके, उन्हां वास्ते असी स्पेशल अरेंजमेंट्स करेंगे। NRI की तो अगर दूर दराज देशों से इत्थे आ रहे वोट करने वास्ते, और उन्हां नू असी स्पेशल वेलकम करना चाहिदा। NRI वोटर वो है जो उन्हां दा कोल हाल दी गड़ी दे विच भी इंडियन पासपोर्ट है, मतलब इंडियन सिटीजनशिप है, किते ना किते कारण वास्ते बाहर पढ़न वास्ते या नौकरी करने वास्ते या बिजनेस करने वास्ते कुछ समय के लिए विदेशां च गए है, उन्हां नू असी NRI वोटर बनाते हैं। वो इस टेक्निकल चीज नू असी समझना जरूरी है।
और जिन्ना भी एनआरए वोटर्स हैं जिन्हों के कोल इंडियन पासपोर्ट है तुसी जरूर एनआरए वोटर बन जाओ। असी तुहाडे वास्ते स्पेशल कैंप्स भी लगाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल भी तुहाडे वास्ते असी अमल विच लियाया है। और साडे स्टेट दे विच परसनस विद डिजेबिलिटीज दिव्यांग वोटर्स ने साडे स्टेट दे विच 1.34 लाख दिव्यांग वोटर ने, और 80+ जिन्हों की उम्र है 80 साल से उत्ते हैं उन्हों का आज की मिति ते असी एक स्टैटिस्टिकल नंबर लिया है वो 5.33 लाख है, 5.33 लाख वोटर्स है जिन्हों की उम्र 80 साल से उपर है। और एपिक परसेंटेज अपना स्टेट दे विच टोटल 100% सारिया नू एपिक है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो सारिया नू असी दिता गए हैं, कलर्ड फोटो है और कलर्ड एपिक कार्ड है। और इस तरीके इंतजाम और तैयारियां पूरा हो गया है। स्पेशल समरी दी दौरान हमारे पास इस बार जो नवंबर महीने दे विच साडे वल्लों किया गया है 8.67 लाख एप्लीकेशन साडे कोल आ गया है, 8 लाख से ज्यादा फॉर्म्स आया हुआ है इस स्पेशल समरी में। उन्होंने फॉर्म्स विच जेड़े भी कोई तरमीम करना हो, कोई गलतियां हो या कोई फोटो ठीक नहीं हो या कोई एड्रेस दी गलतियां हो या कोई नवा वोटर बन दे हो, इस तरीके जिन्ना भी फॉर्म से टोटल 8.67 लाख फॉर्म साडे कोल आ चुके ने। इहदे विच लगभग 60% फॉर्म्स दा असी निपटारा कर चुके हैं, उन्हां दा एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस या रिजेक्टेंस दोनों में एक ना एक कर चुके हैं, और 40% फॉर्म बचा है। आने वाले 15 तारीख, समझ लो कितना नेड़े आ गए हम लोग, 15 तारीख तक हम लोग इस एप्लीकेशन का कम्प्लीट निपटारा कर लेंगे। साडे ईआरओ साहिबान जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बोलते हैं, जेडे भी इलेक्शन डेट्स तय हो जाता है इसी ईआरओ साहिबान फिर आरओ बन जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर दे उत्ते फिर नॉमिनेशंस दा पूरा कार्रवाई उत्ते हुंदा है, वो पूरा तैयारियां है। परसों उन्हां दे नाल मेरा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है ताकि इस फॉर्म्स का निपटारा 15 तारीख तक हम लोग 100% करके अपना इलेक्टोरल रोल्स जेडे भी है उसनों असी प्योर रखे ताकि जेडे भी कमीशन साडा पंजाब आऊगा, आने बहुत ही नेड़े है, समान नेड़े है, आ जाएंगे कमीशन आ जाएगा फिर उसके बाद तुहानू सारी चीज पता चल जाएगा। और लैंड ऑर्डर की तरफ से हमने जिन्ना भी SSP साहिबान कमिश्नर ऑफ पुलिस उन्होंने नाल स्पेशल मीटिंग किया है, और वीकली हम डिस्ट्रिक्ट दे हर डिस्ट्रिक्ट तो नॉन बेलेबल वारंट्स और पेरोल जंपर्स जिन्होंने पेरोल मिला हुआ है लेकिन कई कई कारणवश जंप हो जाता है तो पता है उन्हों का फिर फड़ना पैंता है, उन्होंने फिर जेडे भी कानूनी कार्रवाई है उस दे विच उन्होंने फिर लियाना पैंता है। इसकी लगातार वीकली रिव्यू असी पुलिस महकमे के नाल SSPs अते कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाल असी कर रहे हैं, और वेपन्स की जो जमा करन की कार्रवाई वो भी शुरू हो गए जिले में, और इस दे मुताबिक असी एक लैटर भी जारी कर देंगे ताकि साडा पंजाब दे विच परंपरा रही है लगभग 95% से ज़्यादा असला असी जमा करते हैं, और जिन्हां नू एकदम ही जरूरी है कहीं ना कहीं कारणवश व्यापार है नहीं तो कोई बैंक दे विच असलादारी अपना सिक्योरिटी प्रोटेक्शन रहता है उन्हां नू असी जरूर एग्जेम्पशन देवांगे। और इस तो अलावा और कोई स्पेशल केसेस है उसमें जरूर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी है, DC साहिबान उन्होंने प्रधान है अध्यक्ष है, उस दे हेठ एक फैसला लिया जाएगा ताकि आर्म्स का भी एक अकाउंट साडे कोल आ जाए ताकि लैंड ऑर्डर एकदम ही अपना कंट्रोल में रहे, फ्री फेयर सिक्योर अते सेफ इलेक्शन वास्ते असला दी गिनती अकाउंट रखना और साडे निगरानी हेठ नज़रदेह हेठ रखना बेहद जरूरी हुंदा है। इस बात नूं तुसी भी तस्दीक करते हो और इस मुद्दे ते भी काफ़ी विस्तार नाल पुलिस महकमे दे नाल गलबात हो गया है, काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। नॉर्मली ये क्योंकि असी सब तो पहला चाहते हैं एक ट्रस्ट दी राही काम करे, मतलब एक दूजे नूं असी ट्रस्ट करते हैं, तो सिटीजन साडा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है इलेक्शन दी प्रोसेस दे विच। जेड़े भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से डायरेक्शंस जारी हुंदा है नॉर्मली
ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ SSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੋਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣ ਲੋਕ ਐਸਾ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਤਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਤਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂਗਾ, ਅਸਲਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭੀ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਿਸਮਲਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ, ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਫਿਗਰ ਬਤਾਇਆ ਥਾ, ਡਿਸਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ SSP ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਪੈਂਡੈਂਸੀ FIRs ਫਾਈਲਡ ਡਿਊਰਿੰਗ 2017, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, 2017 ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਭੀ 22 ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਫਿਰ 2017 ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 4 ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ 859 ਹੈ ਕੇਸਿਸ, ਕਨਵਿਕਟਿਡ ਐਕਵਿਟਿਡ 279 ਹੈ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅਨਟਰੇਸਡ 385 ਹੈ, 385 ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅਨਟਰੇਸਡ। ਟੋਟਲ ਮਸਲਾ ਹੈ 2470, ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ FIRs ਦੀ ਪੂਰਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ FIRs ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 2470। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ 385 ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਐਕਵਿਟਿਡ 279 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨਵਿਕਟਿਡ 869 ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ 859, ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋਅਪ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਹਮ ਲੋਗ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ FIR ਦੇਖੇਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਨਾਨ ਡਬਲਿਊ NBWs ਨਾਨ ਬੇਲਬਲ ਵਾਰੰਟਸ ਕਾ ਹਮ ਲੋਗ ਦੇਖੇਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ 28th ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਮੈਂ ਹਮ ਲੋਗ ਨੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊ NBWs ਇਸ ਵੀਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਯਾ NBWs ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ 757 ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ NBWs ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 4972, ਔਰ ਇਸ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਡ 3020 ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 3020 NBWs ਕੋ ਹਮਨੇ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੈ ਹਮ ਲੋਗ ਵੀਕਲੀ ਇਸਕਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੇਰੋਲ ਜੰਪਰਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਰੋਲ ਜੰਪਰਸ ਹੈ ਸਾਡਾ 346 ਹੈ, ਹਾਂ 346 ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਰੋਲ ਜੰਪਰਸ 346 ਹੈ, ਔਰ ਇਸਕੋ ਅਰੈਸਟਿਡ ਆਲਰੇਡੀ 11 ਕੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, 11 ਪੇਰੋਲ ਜੰਪਰਸ ਕੋ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ 346 ਪੇਰੋਲ ਜੰਪਰਸ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਸਲਾ ਦੀ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.8 lakh ਹੈ, 3.8 lakh ਅਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਲੋਕ ਸਭੀ 95% ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਬਾਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਮ ਲੋਕ ਜਿਸਕਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, DC ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਬਾਈ ਕੇਸ ਉਸਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨਕੋ ਫਿਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੜੇਗਾ ਉਨਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਕਹਾਂ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਤੂਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ DC ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
क्योंकि हाले तक असी जिहड़े भी फर्स्ट राउंड ऑफ एक्सरसाइज किया है टोटल रिक्वायरमेंट्स, इस तो पहले साडे स्टेट दे विच किसान आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन नया परिस्थिति दे विच आंदोलन भी काफी कम हो गया। उसको देखते हुए हम लोग फ्रेश असेसमेंट किया गया है। हमको प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट डिस्ट्रिक्ट्स, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स 23 डिस्ट्रिक्ट तो रिक्वायरमेंट आ चुके हैं, 700 से ऊपर कंपनीज का रिक्वायरमेंट आया है। लेकिन इस रिक्वायरमेंट्स नु असी मैं अते साडा स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर है उन्हां दे नाल बह के फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज एसेसरी असेसमेंट करेंगे। जिन्ने जिन्ने साडा वल्नरेबल पॉकेट्स हैं, जिन्ने जिन्ने साडा क्रिटिकल पोलिंग बूथ बन सकता है, दोबारा हम एक बार स्टेट लेवल पे एक दूसरी राउंड ऑफ डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करके फिर हम फाइनल साडा रिक्वायरमेंट जेडे भी है इलेक्शन कमीशन नु भेजेंगे। प्री ये अपना किसान आंदोलन दिए है, उस समय हम लोग बेच चुके हैं 1054 कंपनीज का, लेकिन इसको हम लोग फिर डाउनग्रेड करके रिव्यू करेंगे, फिर दोबारा हम लोग फाइनली भेजेंगे। हाँ बोले सर। इलेक्शन दे विच एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इलेक्शन दे विच एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इदे विच स्टेट दी जिन्ना भी बॉर्डर्स ने, दूजे स्टेट दी नाल साडा बॉर्डर्स हैं, कॉमन बॉर्डर्स, दोनों साइड दी एडमिनिस्ट्रेशन दी नाल, एडमिनिस्ट्रेशन दी नाल जॉइंट मीटिंग्स करना पैंदा है। लिकर फ्लो हुंदा है और क्रिमिनल्स दा भी आना जाना हुंदा है, और इस करके जॉइंट मीटिंग कमिश्नर साडा डिविजनल कमिश्नर उन्हां दी प्रधानगी हेठ साडा 5 डिविजन्स है, सभी डिविजनल कमिश्नर्स अपना अपना दूसरी काउंटर पार्ट, दूसरी स्टेट दी काउंटर दी पार्ट दी नाल मीटिंग आयोजन किया है, और 2-3 जगह मीटिंग भी हो चुका है। हिमाचल बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर दा मीटिंग मेरे ख्याल से हो चुका है, अभी राजस्थान बॉर्डर दा भी मीटिंग होना है। सो ये मीटिंग दे विच असी यही देखेंगे अपना बॉर्डर दी उत्थे, क्योंकि उस स्टेट दे विच इलेक्शन नहीं है, उस स्टेट दे विच इलेक्शन नहीं है, लोका इलेक्शन नियम लागू नहीं है, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट दा एडमिनिस्ट्रेशन दी सहयोग सानू लेना पैंदा है, खास करके लैंड ऑर्डर मशीनरी और लिकर कंट्रोल मशीनरी जेडी भी हुंदा ने, एक्साइज और नारकोटिक्स ब्यूरो ही है, सारिया नू पता है नारकोटिक्स ब्यूरो है, और उसके बाद बैंकां दी नाल असी मीटिंग करदे हैं, ताकि बैंक दे विच ज्यादा अमाउंट कोई विथड्रॉ तो नहीं कर रहे, ज्यादा अमाउंट अगर विथड्रॉ करेगा, अगर सानू डाउट लगा पूछेंगे, पिछले 3-4 साल से कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा ट्रांसैक्शन किता नहीं है, अचानक ज्यादा ट्रांसैक्शन किता है, उन्होंने पूछा जाएगा कि इतना की लोड पै गया है, और इस तरीका ताकि इलेक्शन दे विच अनअकाउंटेड मनी ना वर्तिया जावे। इस तरीका 5 एजेंसी से अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, और उसके बाद GST, और उसके बाद बैंक्स दी, NCB नेशनल ब्यूरो फॉर ड्रग कंट्रोल, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक इंटेलिजेंस विंग भी है, उन्होंने नाल भी असी लगातार मीटिंग करते हैं। सो ये सभी है एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग वास्ते, इस करके इंटरस्टेट बॉर्डर जिन्हें भी अपना अक्रॉस दी स्टेट जेडे भी डिस्ट्रिक्ट्स ने वो सारिया ज्वाइंट मीटिंग करना पैंदा है। आप जेडे भी कह रहे हैं वो मीटिंग सही है, ये बहुत जरूरी होंदा है। कोड लगन दी गल सीधा इलेक्शन कमीशन कहेगा, तुहानू इंडिकेशन सीधे विच नहीं हुंदा, सीधा ही हुंदा है। इलेक्शन दी कोड है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, उसनु असी गंभीरता से लेना पैना है, क्योंकि उस मिति ते पूरा कानून इंप्लीमेंटेशन दी तौर तरीका बदल जांदा है, तुहानू पता है। मेरा एक्सरसाइज 3 महीने तो चल रहा है, अगस्त तो शुरू हो गया हाउस टू हाउस सर्वे, अगस्त दे मंथ दे विच हाउस टू हाउस सर्वे किता, सितंबर मंथ दे विच पोलिंग बूथ जिन्ना भी है साडा उन्हां दा बूथ वाइज निगरानी किता गया है। साडे कोल हुण टोटल बूथ दी साडा संख्या है 24,689 बूथ असी सेटअप कर चुके ने, नवे भी 1400 से ज्यादा नवे बने हैं, क्योंकि कोविड नु मुख रखते हुए
एक एक बूथ दे विच सिर्फ 1200 लोग वोट कर सकते हैं। इस करके इस तो पहले 23211 सी, अभी 24689 हो गया है। सो जो 1400 से आसपास हमने बढ़ाए हैं, और ये ऑक्सिलरी भी बढ़ सकते हैं। हुण जेड़े भी 800,000 फॉर्म साडे कोल आ चुके हैं, उसनू ऐड करन तो बाद, डिलीट करन तो बाद, जेड़े भी एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस नू देखते हुए किते किते ऑक्सिलर पोलिंग बूथ लगाने की लोड़ पैंदे ऑक्सिलरी, उसने भी अभी शामिल करके फिर लास्ट एक लिस्ट निकालेंगे। एक 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 जी पठानकोट बहुत पहले से है। हाँ, मैं जनाब नू मैं बेनती करना चाहूंगा, नोटिफिकेशन मलेरकोटला हो चुका है और उत्ते साडा इलेक्शन दफ्तर भी खुल गया है। बाकी जिथे जिथे नोटिफिकेशन होगा, जिवें साडे कोल आ जाएगा नोटिफिकेशन, वहां भी असी इलेक्शन दफ्तर बना देंगे। उन्होंने पूछ लेंगे, एक मिनट। हाँ जी, मैं थोड़ा जोर से बोलो ना, नहीं अगर डेट दीते मैं पहले ही वही डेट से शुरू करना ना। डेट्स देन दी काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन करते, वो किसी और कोई दूजा दे काम नहीं है, एक्सक्लूसिव है, वो एक्सक्लूसिव है। एक वीसी हो गया कंप्लीट, एक फुल कमीशन भी आएगा। सर सरकार दी टर्म कदों तक का? नहीं नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट दी टर्म दी ने असेंबली देख दे ऐसी। असेंबली मार्च दे महीने विच सेकंड वीक दे विच है, मार्च तक है। असेंबली दी टर्म देखते हैं, इलेक्शन कमीशन देखती है असेंबली टर्म। जनवरी फर्स्ट वीक में लगे। हाँ जी, हाँ जी, नहीं ये थोड़ा फील्ड है, लगेगा कब लगेगा ये कयास लगाना थोड़ा फील्ड है, लेकिन मेरे तरफ से आपको बहुत ही कैटेगोरिकल टर्म्स में बताना ये है, कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर दी है, डेट्स इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर दी है। सीईओ दफ्तर दी काम है पूरा तैयारियां 100% तैयारी करके रखना भूतान दी, और हाँ होट हमारे पूरा तैयारियां हो गया है। अभी फाइनल रोल्स है हमारे, 5 जनवरी को हम पब्लिश करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात तुसी रेज किता है, इसी मसला नू लेकर मैंने माणयोग चीफ सेक्रेटरी साहब नू बेनती किता, पर्सनली मिलिया सी साहब वालों, मैनू पूरा भरोसा दिती गई है। हेल्थ महकमा नू साहब मेरे सामने हिदायत किता, जिन्ना भी स्टाफ है साडा सारिया नू डबल वैक्सीनेशन हो जावे, और ऑलरेडी हो चुका है, और जेडे इक्का दुक्का इधर उधर बचा है उन्होंने स्पेशल कैंप लगा के सारिया स्टाफ जेडे भी पोल दे विच लगना है एक्सरसाइज दे विच, वो सारिया नू 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। और नाली नाल चूंकि ये जेडे भी वेरियंट्स आ रहे उन्हों का ट्रांसमिशन दी बहुत इश्यूज है, उसनों लेकर जेडे भी प्रिकॉशनस है उस वेले दी हेल्थ महकमा दी जेडे भी प्रिकॉशन रहेगा नोटिफिकेशन उसनों असी फॉलो करेंगे नॉर्म्स। नाली नाल पेंडेमिक एक्ट दी मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज नू भी बेनती करेंगे उस दी मुताबिक मीटिंग करे, जेडे भी उस समय दी मीटिंग दी नियम कानून रहेगा, जिन्ना लोग एक जगह इकट्ठा हो सकता है, एक कुर्सी या दूसरे कुर्सी दी बीच में कितना दूरी हो सकता है, ये सारिया नू असी 100% लागू करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਰਲਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਇੰਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਭੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਨਾ ਹੈ। 2 ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ CEO ਸਾਹਿਬ ਪਰਸਨਲੀ
वीडियो कॉन्फ्रेंस दी राही तीन तीन घंटे दी ट्रेनिंग दो बार साडा जिन्ना भी महकमा है सारिया नू दो बार ट्रेनिंग हो चुका है। मटीरियल्स दी खरीदी वास्ते हेल्थ महकमा नू असी बजट भी भेज चुके हैं, ग्लव्स होवे, सैनिटाइजर्स होवे, मास्क होवे और प्लास्टिक जो अपना थैली दी लोड पैंदी है उस मटीरियल नू इकट्ठा करके फिर शाम को डिस्पोजल वास्ते ले जाना, ये सारिया थर्मल थर्मामीटर्स होवे मेजरमेंट करने के लिए, कुछ मेडिकल किट होवे, टैबलेट्स वगैरह, ये सारी अंदी प्लानिंग भी हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट वाले सानू बजट भी दे चुका है, इस बार स्टेट गवर्नमेंट ने सानू कोविड करके बहुत ज्यादा बजट सानू अलॉट किया है, लगभग 340 करोड़ दी बजट इलेक्शन दे वास्ते इस बार सानू दी गई है। अगर जरूरत पैंदी है और कुछ असी मंग भी सकते हैं, इहदे विच कोई रोक नहीं है और कोविड दी तैयारियां असी पूरा है। जिन्ने भी ट्रेनिंग्स भी हुंदा है जिले दे विच उत्थे भी असी कम कम लोकां नू कट कट लोकां नू बुलाते हैं, ज्यादा लोगों नू नहीं बुलाते हैं। सर टोटल कितना वाला होगा सर? जो कोरोना पॉजिटिव होंगे उनके लिए वोटिंग का कोई प्रोसीजर है? कोविड दी दौरान प्रोसीजर ये है, अगर कोविड दी पॉजिटिव हो जाता है वो ऑप्ट कर सकता है पोस्टल बैलेट दी। एक मिनट इनको कोविड दा कंप्लीट कर देते हैं। कोविड पेशेंट दी, कोविड पेशेंट अगर पॉजिटिव है उन्होंने फिर लेकिन उन्होंने वोटिंग हक है तो है ही है, उन्होंने वास्ते एक स्पेशल टीम जाऊगा अपना पीपी किट वगैरह लगा के पोस्टल बैलेट दी राही उन्होंने असी ये कर सकते हैं। लेकिन कई सारे कई पेशेंट्स योजा भी हो सकते कर दे विच नॉर्मल है, पोलिंग बूथ आने तो बाद उन्होंने टैंपरेचर बढ़ गया है लेकिन इतने पता चल गया, उन्होंने असी एक जगह बिठा देते हैं आइसोलेशन, उन्होंने शाम ही सभी वोटिंग होने तो बाद जान तो बाद उन्होंने स्पेशल वोटिंग करवाते हैं, उन्होंने उनके ऊपर पूरा किट वगैरह लगाएंगे ताकि उन्हें वोटिंग हक भी वो वर्त लिया जावे और कोविड दी प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिया जावे। ये सारिया प्रोटोकॉल असी जारी कर चुके ने और लागू करेंगे शत प्रतिशत, क्योंकि जान बहुत इंपॉर्टेंट है, इस करके इस बार इलेक्शन दे विच सिक्योर फ्री फेयर इलेक्शन भी है, नाली नाले सेफ इलेक्शन भी है। सेफ इस करके है कोविड नु मुख रखते हुए एक नारा ये है, सेफ इलेक्शन भी बेहद जरूरी है। सर सिविल ते पुलिस दे किन्ना काम वाला जेड़ा इस बारी तैनात किया जाएगा? क्योंकि साडा स्टेट दे विच मोर देन 60,000 फोर्स है ही है, इस तो अलावा आज दी मिति ते जेड़े भी साडा प्राइमरी डिस्कशन दे दौरान सामने आए हैं, जिले वास्ते असी मांग कीती गई है 700 से ज्यादा कंपनियां और इस नु मैं दोबारा मैं अते साडा स्टेट नोडल अफसर है फॉर पुलिस उन्होंने नाल मैं चर्चा करूंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज वल्नरेबल एरियाज दे दोबारा मैं चेक करूंगा। अभी देखते हैं ना, ड्रोन दी है ऐसे सुनने में आए, कुछ ड्रोन्स का भी है इस तरीके का मसला है, अभी कहीं कहीं ग्रेनेड दी कॉन्फिस्केशन भी हुई है, कोई किसी लोकां दे ऊपर पर्सनल अटैक भी हुई है, वो सारी अंदर इन्फॉर्मेशन साडे कोल है, सभी इन्फॉर्मेशन साडे कोल है, उसनु मुख दखते मुख रखते हुए वल्नरेबिलिटी मैपिंग ऐसी कितनी जा रहे हैं अभी 10-15 दिन में फाइनलाइज कर देंगे। हाले तक मैनु जिहड़े भी नंबर इलेक्शन कमीशन वालों दिती गई है एक लिस्ट है तो आ चुका है, उहदे विच 8 या 9 पार्टीज दा लिस्ट आ चुके हैं और अभी आना बाकी है, सारियां नु पता है, लिस्ट जिवें आऊगा फिर मैं सारिया पोलिटिकल पार्टीज नु पंजाब दी लोकां नु जिन्ना भी साडा स्टेक होल्डर्स है सारिया नाल मैं सांझा करूंगा। पोलिटिकल पार्टीज दी नाल साडा लगभग 15-20 दिन दे विच एक बार मीटिंग हुंदा है घटो घट, अदरवाइज एक महीने दे विच एक बार मीटिंग हो ही जांदा है, उहदे विच असीं फिर शेयर करेंगे ये इनफॉरमेशन पूरा। कैप्टन अमरिंदर गुरां दी पार्टी होगी जी रजिस्टर्ड? जेडे भी पार्टी होगा साडे सामने व्यक्तियां दी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहिंदा है, साडे वास्ते सारिया बराबर है, सारिया पोलिटिकल पार्टीज बराबर है और सारिया नू लेवल प्लेइंग फील्ड अरेंज करके देना इलेक्शन कमीशन सानू दित्ती गई एक मैंडेट है और सारिया वास्ते बराबर है, जेडे भी ए पॉलिटिकल पार्टी नू असी फैसिलिटीज है वो सेम ही फैसिलिटीज सारिया नू दित्ती जाएगा। सर पंजाब लोग कांग्रेस पार्टी होगी रजिस्टर्ड? हले तक मेरे कोल ये जानकारी नहीं है, जिवें मेरे कोल आ जाऊगा सब तो पहले मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। हाँ जी, हाँ कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कुछ गाइडलाइंस है,
उस गाइडलाइंस नु देखते हुए हम स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करेंगे। इलेक्शन आने दो, अभी तक हमारे वो आए नहीं है। ये सारिया मसला इलेक्शन आने तो बाद ही हम उसका आपको और स्पष्टता दे देंगे, क्योंकि इलेक्शन के कमीशन पूरा आना है, जब डिक्लेयर होगा तब ये सारे मसले आपके सामने हम पेश कर देंगे। इस बार तुसी किया के 80 साल तो उत्ते जेड़ा वोटर है ओदे घर जाके वोट करवाओ। हां जी, इदे लई थोड़े को एडा स्टाफ है? हां जी, साडे कोल स्टाफ दी पूरा इंतजाम है, क्योंकि एक जिले दे विच अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, एक एक असेंबली हल्के दे विच बहुत कम हो जांदे, क्योंकि अपने पास 117 हल्के हैं। अपन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो 8 लाख लोग, सभी 5 लाख लोग, सभी लोग नहीं आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत लोग आना चाहते हैं। असि आइडेंटिफाई करके रखेंगे, असि आइडेंटिफाई करते हैं 80 साल दे उत्थे लोगों नु ये फैसिलिटी इलेक्शन कमीशन वालों दे रहे हैं, लेकिन जेडे भी बंदा आना चाहते हैं उन्होंने कोई रोक नहीं है। हाँ जी, एक मिनट सब, इनका मैं नया वोटर्स की लिस्ट दे देता हूँ, फर्स्ट टाइम वोटर्स की। इस बार हमारा 1.515 लाख दी नया रजिस्ट्रेशन हो गया, 1.15 लाख दी यंग वोटर्स दी। अभी SSR दी दौरान जेडे भी मैं आप लोग 8 लाख फॉर्म दसे, एक्सेप्शन रिजेक्शन हो रहे, 15 तारीख तक आपको फाइनल फिगर में देवांगा। आपकी तरफ से कोई क्वेरीज पूछना है? आज दी मीटिंग का मुख्य मकसद ये है, वीकली हम इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, वीकली एवरी वीक आपको हम इलेक्शन दी संबंधी जानकारी देते रहेंगे हमारे यहाँ इसी ऑफिस में। इस तो अलावा अगर डे टू डे अगर कोई डेवलपमेंट होता है, आपको हमारे APR वो है, वो आपको जानकारी देते रहेगा। कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन लोग कानू देना जरूरी है। हाँ जी, पहले तरीका आप लोग कभी भी आ सकते हो, और हमारे ऑफिस अभी इमरजेंसी ऑफिस है, रात को 11-12 बजे तक खुले रहता है, कभी भी आप फोन कर सकते हो, आ भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी पासिस के लिए भी हम इस बार काफी स्पेशली टेक केयर कर रहे हैं। जहां भी मैंने डिस्ट्रिक्ट्स में विजिट किया था, सभी प्रेस साथियों वालों ये स्पेशल रिक्वेस्ट किया गया है, हमको ज्यादा से ज्यादा पासिस दिया जाए। हाँ जी, केंद्र सब के सब कुछ हो गया, क्योंकि साढ़े इलेक्शन दे विच हर तरीके इंतजाम रहता है। अपन लोग इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे, मैं DC नु कहांगा, जेडे भी इत्थों जाउंदे हैं ना, उनको हम लोग स्पेशल इश्यू करेंगे। हाँ जी प्लीज, 340 करोड़ के बजट चो चाह पानी ले के जाए। नहीं नहीं, बात बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग इसका एक हेड बनाए गए हैं, मीटिंग्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, इसके तहत जेडे भी होगा आपको मिलेगा। दे देता हूँ आपको।